आपके काम से नहीं, आप कितने अचीवर बनोगे, कितने रैंक होल्डर बनोगे मुझे मतलब नहीं, पर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको दुख में तकलीफ में कभी नहीं देख सकता, कभी भी मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि मार्केट में आपको मुंह छुपाना पड़े, मार्केट में आपको बच के आना पड़े। ना मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकता, ना किसी प्रोडक्ट की ऐसे क्वालिटी गिरा सकता। आप पूछ लेना फैक्ट्री वालों से, यहीं बैठे हैं, हमेशा बोलता हूं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। परचेज करो ऐसी जगह से जहां टॉप क्वालिटी हो, बस आपकी नजरें नीची होके ना आए, मेरा फाइटर बाजार में जाए, साला छाती तान के जाए, आंख में आंख डाल के बात करे। आज तक आपने देखा होगा आपके पे आउट 9 साल से 24 घंटे में आ रहे हैं, 9 मिनट भी लेट नहीं हुए, 9 मिनट भी लेट नहीं हुए। आपने देखा होगा जितने फंक्शन कहीं जाओ, मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, बेस्ट खाना, बेस्ट होटल, बेस्ट गाड़ियां। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आपकी नजरें कहीं झुके। और दोस्तों, वही आपने भी मुझे वापस दिया, आपने भी अपने भाई को झुकने नहीं दिया। और याद रखना, ये वो शरीर है, सिर्फ दुनिया में अगर झुक सकता है ना, तो तुम्हारे सामने झुक सकता है, बाकी कोई साला माइका लाल इस बंदे को झुका नहीं सकता। अपने फाइटर को छोड़ के मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता, इसलिए मैं अपने असूलों पे खड़ा रहता हूं, इसलिए अपने प्रिंसिपलों से समझौता नहीं करता, अपने इथिक्स से समझौता नहीं करता। अगर मैं दौलत का गुलाम हो जाता, दौलत के पीछे भागता, 3000 करोड़ की कंपनी है, क्या देखते हो मेरे पास, क्या है मेरे पास, जाओ मेरा अकाउंट निकलवा के देखो। 3000 करोड़ की कंपनी बनाने वाले डायरेक्टर 500-500 करोड़ कमा के बैठे हैं, 500-500 करोड़। जाओ भारत देश का डाटा उठा लो, क्या मेरे खिलाफ बात करोगे, क्या मेरे खिलाफ साले कुचर पुचर करते हैं, क्या कमा लिया मैंने 3000 करोड़ की कंपनी बना के, क्या कमा लिया? बहुत बड़ा फिगर होता है 3000 करोड़, बहुत बड़ा। और जाके देखो संजीव सर के पास वही है जो आज तुम्हारे पास है, तुमसे ज्यादा मेरे पास नहीं है। जो दिया तुम सबको दे दिया। जाओ जयपुर में 150 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, 150 करोड़ का। ये 150 करोड़ मैं भी अपनी जेब में डाल सकता था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 5 फैक्ट्री आपको दिए, AWS वर्ल्ड बना के दे रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए दौलत यार, मैं फौजी व्यक्ति था, सुनो मेरी बात, मैं फौजी आदमी था, 7000-8000 कमाता था, साइकिल पे चलता था, बाबा ने इतना दे दिया, यही नहीं हजम हो रहा मुझसे, बहुत माल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, समझे? मुझे औकात से ज्यादा दिया ऊपर वाले ने, औकात से ज्यादा इज्जत, पैसा, सम्मान सब दिया है। तो मेरे आड़े सिर्फ मेरे असूल आते हैं, मेरे आड़े सिर्फ मेरा नॉन कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड आता है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता गलत चीजों से, चाहे मुझे कोई कितना ही लालच दे ले, मुझसे कॉम्प्रोमाइज कभी ना हुआ था ना कभी होगा। इसलिए ये कंपनी यहां तक आई है और टाल ठोक के आई है, और कामयाबी के साथ आई है, नाकामयाबी के साथ नहीं आई। अचीवर बना के आई है, फेलियर बना के नहीं आई।